अलवर में पूर्व ग्रंथी के समाज विशेष के लोगों की ओर से केश काटने के मामले में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर का बयान सामने आया है। उन्होंने इस घटना की ओर निंदा की है। सतीश पूनिया ने कहा कि यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, प्रदेश में कानून का राज खत्म हो गया है। तो वहीं उपनेता प्रतिपक्ष राठौर ने कहा कि राजस्थान में आतंकवादी संगठन जाल फैला चुके हैं, अलवर की ये पूरी घटना शर्मनाक है। हौसले बढ़ते हैं क्योंकि तत्परता से जब कार्यवाही नहीं होती और अपराधियों को जब संरक्षण मिलता है, ऐसी अनेकों घटनाएं हैं, लेकिन ये घटनाएं विचलित भी करती हैं और राजस्थान के लिए दुर्भाग्य है। ये मेवात में मैंने कई बार इस बात को हम लोगों ने उठाया है कि जब जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है तो मेवात अपराधियों की शरण स्थली बन जाता है। साइबर क्राइम से लेकर चोरियों तक से लेकर और जिस तरीके के नकबजनी डकैती और दूसरे किस्म के अपराध होते हैं, जहां लैंड जिहाद और लव जिहाद तक के मामले सामने आए हैं। राजस्थान के अंदर आतंकवादी संगठन अपने जाल को पूरा फैला चुके हैं। सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाली शक्तियां सक्रिय भी है और बेखौफ भी है। अलवर की घटना शर्मनाक घटना है। धर्म को मानने वाले लोग जो अपने केस को सिख धर्म के अंदर सर्वाधिक धारण करने के लिए माना गया है, उसको काटे, कार्रवाई नहीं हो, अभी शाही सूखी भी नहीं थी, अवैध खनन के नाम पर साधु को आत्मदाह करना पड़े, उस पर पूरी कार्रवाई सरकार और पुलिस ने की भी नहीं कि इस प्रकार की घटनाएं।